पुलाव की काफ़ी रेसिपीज आपने देखी होगी, खाया होगा, मगर जिस तरह की स्वीट पुलाव की रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिना फूड कलर ऐड किए इस डिलीशियस पुलाव को हम जल्द से जल्द कैसे बनाएं, जानने के लिए वीडियो देखें पूरी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस स्वीट पुलाव रेसिपी को शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास बासमती चावल को अच्छे से वॉश करके पानी में भिंगो दिया था। चावल का मेजरमेंट मैंने इस ग्लास से किया है, आप किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बेहतरीन पुलाव को आज हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर को मैंने फ्लेम पर चढ़ा रखा है और ये गर्म है, तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून देसी घी, पुलाव है तो देसी घी में ही अच्छी लगती है। अब इसे हम मेल्ट होने देते हैं। जब यह गर्म हो जाए इसमें डालेंगे हम कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 चक्रफूल, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री। इन सबको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि इनका फ्लेवर घी में आ जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू, बादाम और ये सूखा नारियल लिया है। काजू और बादाम को मैंने 2-2 टुकड़ों में काटा है और ये नारियल को स्लाइसेस में काटा है, आप छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। इसे हमें लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लेना है, जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसमें डालेंगे आधी मीडियम बाउल मखाना। मखाने को ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद ही ऐड करें ताकि ये घी ऑब्जॉर्ब नहीं करे। भून लेते हैं मखाने को थोड़ी देर। जब मखाना भून जाए तो सबसे लास्ट में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून किशमिश। इसे आप लास्ट में ही ऐड करें क्योंकि ये थोड़ी फूलने लगती है। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही किशमिश फूलने लगे इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के ऑरेंज वाले गाजर, जिसे मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रखा है। मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से इनकी जो शेप है एकदम चावल जैसी दिखेगी। मैंने यहाँ ऑरेंज वाले गाजर का यूज़ किया है, आप चाहें तो रेड वाले गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल देते हैं प्रेशर कुकर में और इसे भी लगातार चलाते हुए हम लगभग 1 मिनट तक भून लेते हैं। गाजर को 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें डालेंगे चावल। चावल को मैंने पानी से निकाल लिया है। अब तक की जो भी प्रोसेस मैंने की है लो फ्लेम पर किया है ताकि कुछ भी जले ना। तो यहाँ चावल डालने के बाद फ्लेम को हाई रखना है और इसे 1 मिनट तक भून लेना है। चावल को भूनने के बाद इसमें डालेंगे पानी। 1 ग्लास चावल के लिए मैंने 1.5 ग्लास पानी यूज किया है, तो आप जो भी कप या कटोरी का इस्तेमाल करें उससे 1.5 गुना पानी यूज करें। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ रेशे केसर के, जिसे मैंने गर्म दूध में पहले ही भिंगो रखा था। डाल देते हैं इसे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसके ऊपर डालूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच चीनी और इसके ऊपर डालिए ज़रा सा नमक मीठेपन को बैलेंस करने के लिए। मिक्स कर लेते हैं सबको अच्छी तरह और जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देते हैं। 1 सीटी से ज़्यादा हमें नहीं लगाना है, तो यहाँ मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और जैसे ही पहली सीटी आएगी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। प्रेशर जब रिलीज हो जाए तो मैं एक बार ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ और ये देखिए इतनी डिलीशियस और बेहतरीन पुलाव बनकर तैयार है, और वो भी हमने प्रेशर कुकर में बनाया है। एक बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
एकदम खिले खिले चावल हैं। तो मेरी बताई गई इंग्रेडिएंट्स और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए आप इस स्वीट पुलाव रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने किचन में। कमेंट्स करके बताइए आपसे ये कैसी बनी। तो इसी तरह की परफेक्ट और बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी बनाई वीडियोज अच्छी लगें तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बगल की बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी बनाई हर वीडियोज आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियोज पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं।